मैं जो कर रहा हूँ ना बाइक पे काम, काम करना जरूरी भी है क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लानिंग कर रहा हूँ मैं, बहुत बड़ा राइड होगा। और यहाँ पे देखो ना कितना सारा हेलमेट का कलेक्शन है, तो देख सकते हैं बहुत सारा हेलमेट का कलेक्शन आप लोगों को मिल जाएगा। तो बाइक का सामान तो लगा लिया, लेकिन मैंने बोला था ना एक राइडिंग पेन खरीदना है, तो यार पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाया था, ये रहा मेरा राइनॉक्स का नी गार्ड, तो इसी से काम चला रहा था बहुत दिनों से क्योंकि मेरा राइडिंग पेंट नहीं है, तो इसीलिए हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर न्यू डे। आशा करते हैं आप लोग सब मस्त है, बढ़िया है। इसीलिए एक राइडिंग पेन खरीदना होगा, आज सोच रहा हूँ कि फाइनली एक साल के बाद मैं एक राइडिंग पेन खरीदने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास नहीं है। और आज ना दो काम है, एक है मेरा राइडिंग पेन खरीदना और एक है हिमालयन 450 पे क्रेस गार्ड लगाना। तो कैसा क्रेस गार्ड लगाऊंगा एक बार आप लोगों को भी दिखाएंगे। और बहुत धूप भी है, थोड़ा देर पहले हल्का हल्का बारिश था जैसे नॉर्मल एज यूजुअल रहता है, आज का वेदर भी थोड़ा ठीक ही है तो देख सकते हैं। और चलो लेट्स गो, है ना, चलो। थोड़ा छोटा मोटा काम था तो वो सब ख़त्म करके अभी जा रहा हूँ मैं क्रेस गार्ड लगाने के लिए। अभी देखो ना वेदर कैसा हो गया, इतना धूप हो रहा है ना, बाप रे, थोड़ा देर पहले कैसा था और अभी कैसा हो गया। और ऋषभ को पिक कर लिया क्योंकि वो बोला कि वो भी साथ में जाएगा, कल बात हुआ था रात को, इसीलिए उसको पीछे बैठा लिया और जा रहा हूँ अभी क्रेस गार्ड लगाने के लिए। तो पहले ये वाला काम कर लेते उसके बाद जाऊँगा राइडिंग पेन खरीदने के लिए, तो देखते हैं जाके आगे कैसा वाला क्रेस गार्ड लगाने से अच्छा लगेगा बाइक के ऊपर और कितना क्या प्राइस है, क्या क्या वेराइटीज़ है वहाँ पे, वो एक बार जाके देखते हैं। मैं जो कर रहा हूँ ना बाइक पे काम, काम करना ज़रूरी भी है क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लानिंग कर रहा हूँ मैं, बहुत बड़ा राइड होगा आने वाला है, सोलो राइड होगा, तो इसीलिए उससे पहले सब कुछ काम ख़त्म करना होगा अच्छे से। जो जो मेन चीज़ें हैं वो सब लगाऊंगा अभी। और ऐसे कि जैसे हो गया मेरा फॉग लाइट तो लगा लिया, अभी लगाऊँगा क्रेस गार्ड और उसके बाद लगाना होगा एक टॉप बॉक्स, और टॉप बॉक्स बहुत जल्दी लगाऊँगा, थोड़ा ये वाला जब अच्छे से आएगा ना तब टॉप बॉक्स लगाऊंगा। और पेनियर भी लगाने के लिए सोच रहा हूँ लेकिन पेनियर में बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ एक सेडल बैग जैसा कुछ बैग ले लूँगा और एक टॉप बॉक्स ले लूँगा, उससे थोड़ा काम होगा शायद, देखते हैं। पहले तो आज का काम कर लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके जो मेरा काम है वो करता रहूँगा। चलो पहुँच गया दुकान और उठा देते हैं, ये पे लगाना होगा। तो ऐसे ही आ गया डायरेक्ट गणेशगुरी क्रॉस करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा मोटो क्रेस, तो यहाँ से ही मैं सामान वगैरह पहले भी लगाता हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे पूरा डायरेक्ट आ गया गोदाउन में। तो भैया डायरेक्ट लेके आया गोदाउन में, ये है गोदाउन और यहाँ से निकल दिया हम लोग, ये है क्रेस गार्ड ना, ये मोटो टॉर्क का क्रेस गार्ड। अरे जाना का तो मुझे बहुत हल्का लगा क्योंकि उतना खास नहीं लगा है, बहुत हल्का हो गया ना। और आप लोग अगर पैकेजिंग देखेंगे जाना का पैकेजिंग भी थोड़ा इतना खास नहीं है, जाना का देख सकते हैं, इसका प्राइस भी बहुत कमती है अगर कंपेयर करेंगे आप लोग मोटो टॉर्क से। तो मोटो टॉर्क का तो पैकेजिंग बहुत अच्छा लगा और सामान ना हैवी भी है और शायद फिट करने के बाद और अच्छा एक लुक देगा मेरे हिसाब से, है ना, अच्छा वाला लुक देगा ना ये वाला, अच्छा, लुक देगा। अच्छा। और ये थिकनेस भी मोटा है ना इसका? हाँ ये मोटा है, हाँ ये वाला मोटा है, हम खोलेंगे नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी सील है ना। और ये वाला देख सकते कितना पतला वाला है, ये एकदम पतला वाला है और इसका थिकनेस देख सकते कितना मोटा है, तो इसीलिए सोच रहा हूँ कि ये वाला इंस्टॉल करेंगे। तो चलो जाते हैं ना, चलो ये वाला नहीं रख दीजिए और लेके जाएंगे डायरेक्ट मोटो टॉर्क, और मोटो टॉर्क ही लगाएंगे भाई, अच्छा लगेगा थोड़ा देखने से भी अच्छा लगेगा। यहाँ पे है मोटो क्रेस का बॉस। बॉस कैसे है? एकदम बढ़िया, आप सबका प्यार और आशीर्वाद, बस वही है ना एकदम। आज कुछ डिस्काउंट मिलेगा क्या? डिस्काउंट तो बॉस देखिए आप जो प्रोडक्ट लगा रहे हैं उसमें नहीं है, फिर भी डिस्काउंट नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो गिफ्ट होगा जरूर ऐसे ही भाई के लिए, एकदम कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ जरूर होगा ना। 100% यहाँ पे हो रहा है इंस्टॉल, आप लोग अगर देखेंगे ना यहाँ से तो यहाँ पे फिट होगा, यहाँ से फिट होके ना थोड़ा आगे तक जाएगा, एक साइड तो फिटिंग हो गया लेकिन इस साइड होना बाकी है, और फिटिंग होने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं अच्छे से। ठीक है बॉस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, आते रहिए आप एकदम, एक बार विजिट करने के लिए। श्योर श्योर श्योर, ठीक है, बाय बाय बाय।
और ये रहा बाइक, तो देख सकते हैं कितना बल्की बल्की थोड़ा बहुत लग रहा है ना अभी पहले से, क्योंकि ये वाला स्लाइडर लगने से ना थोड़ा बाइक का लुक्स बल्की हो जाता है। ये वाला थोड़ा मोटा भी है अगर कंपेयर करेंगे जाना को, जाना मेरा उतना खास नहीं लगा तो इसीलिए ये वाला लगा दिया। तो देख सकते हैं क्या मस्त लग रहा है भाई, और गिफ्ट भी मिल गया मेरे को तो ऐसे ही मिल गया तुमको, ठीक है मेरे साथ आया ना कुछ तो मिल गया तुमको है ना। चलो बैठो पीछे, पहला काम तो हो गया, अभी करना है दूसरा काम जो है पेंट खरीदना। यहाँ पे भी मिलेगा आप लोगों को गियर्स वगैरह, लेकिन यहाँ पे अवेलेबल था सिर्फ राइनॉक्स का पेंट, तो मुझे राइनॉक्स नहीं चाहिए। मेरा जैकेट तो राइनॉक्स का है लेकिन थोड़ा दूसरा ब्रांड भी यूज़ करके देखते हैं ना, अगर एक ही ब्रांड यूज़ करेंगे तो कैसे पता चलेगा दूसरा ब्रांड कैसा है। और यहाँ पे ना मेरा एक स्क्रीन का गार्ड भी लगा दिया, गार्ड मतलब ऐसे ही नॉर्मल टेम्पर बोल सकते हैं, स्क्रीन का टेम्पर, वो लगाने से थोड़ा सेफ्टी होगा मीटर को, क्योंकि स्क्रीन वगैरह लगने से ना थोड़ा बचेगा, तो इसीलिए वो वाला लगा दिया। अभी थोड़ा स्क्रैच से बचेगा। चलो अभी टाइम हुआ है 2:29, गुवाहाटी में बहुत गर्मी है, अभी है 35 डिग्री। क्या यार, और कुछ दिन पहले मैंने बोला था ना आप लोगों को कि मेरा स्क्रैम बेचूंगा, और साथ में ये भी बोला था कि हिमालयन 450 भी बेचूंगा, तो थोड़ा प्लान को चेंज कर दिया। स्क्रैम तो बेचूंगा लेकिन हिमालयन 450 रहेगा, क्योंकि नया बाइक है, 2 महीना पुराना बाइक, और अभी बेच के फ़ायदा भी नहीं है, मेरा लॉस हो जाएगा बहुत। और तो बहुत लोगों ने पूछा हिमालयन 450 कितने में दोगे भाई, कितना रेट है, कितना कुछ प्राइस वगैरह कितने में दोगे, ऐसा बहुत लोग पूछ रहा था। तो मैंने बहुत सोचा, क्योंकि ये वाला बाइक नया लिया है, तो इसीलिए एक डिसीजन बना लिया कि भाई कुछ दिन बाद बेचूँगा, अभी तो ये वाला बाइक और 2-3 महीना चलाना है, क्योंकि नया बाइक है, अगर ये वाला बाइक बेच दूंगा ना तो मेरा बहुत लॉस हो जाएगा, तो इसीलिए देयर इज़ अ चेंज प्लान, थोड़ा चेंज हो गया, अभी कुछ दिन चलाऊंगा और कुछ दिन के बाद बेच दूंगा ये वाला बाइक। अभी तो फ़िलहाल स्क्रैम सेल में है, आप अगर किसी को चाहिए बोल सकते हैं, विथ लोडेड एसेसरीज, बहुत सारा एसेसरीज भी है। मैं पहुँच गया दुकान और लेते हैं सामान, और बाइक का सामान तो लगा लिया, लेकिन मैंने बोला था ना एक राइडिंग पेन खरीदना है, तो यहाँ पे आया हूँ फिर से, जहाँ से लाइक खरीदा था बाइकर शॉपी है ना। आप लोग तो जानते हैं कि एक्जोर का ही डील करते हैं ये लोग, तो इसीलिए सिर्फ एक्जोर का ही पेंट मिला अभी। तो इन लोगों का ना और एक वेयरहाउस है जो एक नया कंस्ट्रक्शन में अभी एती रोड में, तो मैंने सोचा कि वहाँ पे भी थोड़ा बहुत कलेक्शन है, क्या क्या है एक बार जाके देखते हैं, और अभी तक मतलब वो वाला स्टोर खुला नहीं है, तो इसीलिए वहाँ पे जाएंगे, अगर कुछ सामान वगैरह अच्छा लगेगा तो पेंट वगैरह अगर अच्छा वाला पेंट मिलेगा वहाँ पे तो खरीद के लेके आऊँगा। और अभी तो एक्जोर का आप लोग देख सकते हैं ये वाला ही अवेलेबल है, तो अगर किसी को एक्जोर का सामान चाहिए, बाइकर शॉपी बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों का, नज़दीक में अगर गुवाहाटी में रहते हैं या गुवाहाटी के बाहर भी रहते हैं ना, बाइकर शॉपी बेस्ट है, तो अच्छा वाला दाम में भी मिलेगा आप लोगों को सारा कुछ सामान जो एक्जोर का है, तो इसीलिए ये वाला रख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे एक्जोर का नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कुछ अलग ब्रांड का। तो देखेंगे एक बार जाके अलग वाला जो दुकान है वहाँ पे जाके देखेंगे कैसा वाला मिलेगा मुझे, कैसा ऑप्शन मिलता है। चलो जो वेयरहाउस है, जो मतलब आते हैं रुको, जहाँ से अभी आया ना वहाँ पे सिर्फ एक्जोर का ही मिलता है, तो एक ही ऑप्शन था, अगर मल्टीपल ऑप्शन रहता है तो अच्छा लगता है ना, थोड़ा देखने से भी अच्छा लगता है कि चलो ये वाला ठीक है, और इसीलिए मैं आ गया अभी एती रोड में, और यहाँ पे देखेंगे कौन सा अच्छा होगा। लेट हो लिया लेकिन बहुत सामान वगैरह बिखरा हुआ था, तो इसीलिए वहाँ पे वीडियो नहीं किया, तो ले लिया एक भाई तरह का पेंट, क्या पेंट है आप लोगों को एक बार बाइकर शॉपी जाके दिखाएंगे, क्योंकि पेमेंट वगैरह भी देना है, तो इसीलिए चलो भाई। तो यही रहा भाई तरह का, अभी अनबॉक्सिंग करते हैं इसको। अनबॉक्सिंग मतलब क्या है, ऐसे ही नॉर्मल एक कवर दिया हुआ है, तो यही है पेंट, देख सकते हैं लेवल टू प्रोटेक्टर दिया हुआ है यहाँ पे, अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे लेवल टू प्रोटेक्टर है, और पेंट भी तो मुझे ठीक ठाक ही लगा, अच्छा लगा, तो आप लोग अगर देखेंगे तो यहाँ से ये रहा पेंट, क्योंकि फुल ब्लैक में है ना, तो कलर भी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ये थोड़ा सिल्वर का फिनिशिंग दिया हुआ है टच, लेकिन पूरा जो पेंट है ना पूरा ब्लैक ही है, तो इसीलिए मुझे ये वाला पेंट अच्छा लगा, तो इसीलिए ये वाला ले लिया। आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बोलिएगा कैसा लगा ये वाला पेंट है ना। तो यही रहा पेंट, तो भाई ले लिया, कार्ड पेमेंट हो जाएगा ना, हो जाएगा। और यहाँ पे ना आप लोग अगर देखेंगे तो मेरा जो लाइट है HGG का जो 6 LED वाला लिया था,
अभी 7LED वाला भी अवेलेबल हो गया, अगर दो दिन बाद लगाता तो 7LED वाला मिल जाता ना। कितना दिन हो गया आने से, कितना दिन हो गया? दो दिन हो गया। प्राइस वगैरह भी दिया हुआ है, ये 4LED प्राइस भी दिया हुआ है 3600। और आप लोगों को ना 12 मंथ का वारंटी भी मिल जाएगा, सब लाइट में आप लोगों को वारंटी मिल जाएगा। विथ हार्नेस, हाँ विथ हार्नेस, तो देख सकते हैं सब ना विथ हार्नेस आता है, और आप लोगों को 1 साल का वारंटी भी मिल जाएगा। और यहाँ पे देखो ना कितना सारा हेलमेट का कलेक्शन है, तो देख सकते हैं बहुत सारा हेलमेट का कलेक्शन आप लोगों को मिल जाएगा। क्या यार, क्या लग रहा है यहाँ से ना, कितना सारा हेलमेट है। और जो नया हेलमेट आया है ना, कौन सा आया है भाई सामने, कौन सा? ये वाला द बैटमैन? नहीं ये नहीं, कौन सा ये वाला? नया ग्राफिक्स है, नया ग्राफिक्स नया है। अच्छा, क्या नाम है इसका? ये हंटर है। हंटर, वाह, कौन सा ये वाला? पूरा एकदम बाप रे बाप, खतरनाक वाला लुक है तो। एक इसका नाम है हिप हॉप, क्या खतरनाक खतरनाक नाम देता है यार जोर वाला ने। ये वाला है हंटर, ये है हिप हॉप, और एक कलर में आता है हंटर का, ये देख सकते हैं एक और। अरे ये कलर लेकिन अच्छा लगा मुझे, रेड कलर वाला, ये है रेड कलर हंटर का नया कलेक्शन। प्राइस कितना है इसका? 4994। सबसे महंगा वाला हेलमेट कौन सा है? कौन सा ये वाला? कार्बन फाइबर का है। कितना है इसका प्राइस? 12,000। मतलब एक्सोर का सबसे महंगा वाला हेलमेट यही है ना। क्या लग रहा है भाई। और ये जो बाइकर शॉप है ना, इसका एड्रेस है आपको यहाँ पे जो गुवाहाटी क्लब का बूढ़ा मस्जिद है ना, तो बूढ़ा मस्जिद के पूरा ऑपोजिट में आप लोगों को मिल जाएगा बाइकर शॉप। और यही दो काम करना था, कर लिया फाइनली। अरे ये बाइकर शॉपी का दुकान, चलो अभी निकलते हैं यहाँ से। ठीक है सताप भाई, ठीक है, थैंक यू। तो बाद में और फिर से आएंगे ना, होगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं एकदम दोस्त भाई। चलो अभी आते हैं प्राइसिंग पे। मेरा प्राइस लिया आपका जो क्रैश गार्ड लगाया वो था मोटो टॉर्क का, उसका फिटिंग वगैरह सब कुछ मिला के 6000 के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा मोटो क्रेज में। और अगर आप लोगों को सस्ता वाला भी लगाना है तो आप लोगों को मिल जाएगा, जनाका थोड़ा सस्ता है, शायद 3500 लेता है विथ फिटिंग। और मेरा जो राइडिंग पेंट लिया वो आप लोगों को मिल जाएगा आपका मॉडल हिसाब से। मैंने जो फाइटरा का राइडिंग पेंट लिया उसका प्राइस 8000 लिया मेरा। और बहुत कुछ ऐसा पेंट भी मिलेगा आप लोगों को जो थोड़ा प्राइसिंग कम में है, तो आपको आप लोगों को 5500 रुपये से भी मिल जाएगा आप लोगों को बाइकर शॉपी में। और यही रहा आज का वीडियो, कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, है ना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, साइनिंग ऑफ संजीव शर्मा रोमिंग राइड, टेक केयर, टाटा, बाय 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 गाइस, बाय बाय।